पंजाब दी विधानसभा चोणां नूं लैके आम आदमी पार्टी शुरू तो ही विवादां विच रही है। कदी पैसे लैके टिकटां देण दी गल होवे जां फिर सुच्चा सिंह छोटेपुर नूं कथित तौर ते गलत इल्जाम लगा के पार्टी तों लांभे करन दी गल होवे। चोणां दे ऐण आखरी दिनां विच जिथे एक पासे अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली ते गुरलाभ सिंह ने कई सवाल चुके ने, उत्थे ही हुण केजरीवाल की दिल्ली सरकार विच साबका मंत्री अते मौजूदा विधायक आसीम अहमद खान ने केजरीवाल उत्ते 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मंगण दे गंभीर इल्जाम लगाए हन। मैं वो मंत्री हूं जिसकी तरफ वो बार बार पंजाब के अंदर झूठ बोल के इशारा करते हैं कि मेरे एक मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा, मैंने उनको जेल भेज दिया। मैं आज तक जेल नहीं गया, मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आप सब लोगों के सामने कह रहा हूं, और ना ही आज तक केजरीवाल साहब ने मुझे अपनी पार्टी से निकाला है। जेल भेजना तो बहुत दूर, मैं आज भी उन्हीं की पार्टी में मेंबर हूँ, MLA भी हूँ, आज तक उन्होंने मुझे पार्टी तक से नहीं निकाला। दिल्ली की मीडिया में सारी बात पता है, जो सारा ये प्रकरण हुआ था आज से 1.25 साल पहले। मुझे आज तक ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रालय से हटाया, लेकिन आज मैं उस बात का खुलासा करता हूं कि मुझे मंत्रालय से हटाने का जो मकसद था वो इनकी डिमांड पूरी ना करना था। मुझसे 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी मंत्रालय के लिए कि आपको अगर मंत्री रहना है तो आप 5 करोड़ रुपये दीजिए। भाई साहब, मैं 5 करोड़ रुपये देने में सक्षम नहीं था। मेरे पास फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, फूड एंड सिविल सप्लाईज और इलेक्शन, 3 पोर्टफोलियो थे मेरे पास। मैं 5 करोड़ रुपये देने में सक्षम नहीं था, इसलिए मेरे ऊपर इस तरह के आरोप लगा के मुझे मंत्रालय से हटा दिया गया। हटाने का मेन मकसद ये है क्योंकि मेरे ऊपर आज तक कोई भी किसी तरह की चीज़, कोई सबूत कुछ नहीं है। सिर्फ एक बात कह दी गई कि हमारे मंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। आरोप तो दिल्ली के तमाम मंत्रियों पर लग चुके हैं, उप मुख्यमंत्री पर भी लग चुके हैं, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का सिर्फ मकसद ये था कि भाई साहब, मैं सिर्फ उनको 5 करोड़ रुपये नहीं दे पाया।